वीडियो ऑन है क्या? Assalamualaikum guys, yeah, what's up? This is your boy Zayan Khan Niazi and you're watching Zayan Niazi Films. तो यार वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग. साल की हमारी 2024 की हमारी पहली व्लॉग है और काफ़ी यानी कि इंटरेस्टिंग व्लॉग है. हम साल की शुरुआत ही हम रेजोल्यूशन से कर रहे हैं. यस, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा और क्रिएटिविटी हमने थोड़ी स्टार्ट में दिखाई है तो उससे तो आपका अंदाज़ा हो ही गया होगा कि व्लॉग किसके लिए है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी 2024 की पहली व्लॉग, माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन. तो यार हमारी आज की व्लॉग न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए है और हम कुछ चंद इस साल के हमारे रेजोल्यूशंस जो हमने सोची हैं उनसे हम आपको आगाह करेंगे कि अपना क्या है. लेकिन उससे पहले यार, इफ़ यू गाइस आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसी लगी. और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ ज़यान खान नियाज़ी, आल्सो नोन एज़ ज़यान नियाज़ी फिल्म्स. तो यस, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी व्लॉग. मुझे ऐसे भी लग रहा है कि एंगल थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है तो हमें एंगल थोड़ा सा इधर करना होगा. हम एंगल सही करते हैं और हम डायरेक्ट अपनी चलते हैं अपनी क्या कहते हैं पहली रेजोल्यूशन की तरफ. तो यार हम क्या कहते हैं, थोड़ा हमने अभी दिमाग लगाया कि हम थोड़ी सी क्रिएटिव वे में हम आपको अगर अपनी रेजोल्यूशन बताएं तो कैसा रहेगा. तो अब हम आपको स्टार्ट में डायरेक्ट मिलते हैं उसमें क्रिएटिविटी में अपनी. तो बच्चों आज हम आपको बताएंगे कि अपनी रेजोल्यूशंस को क्या कहते हैं क्रिएटिव वे में कैसे बताया जाए. तो पेन एंड पेंसिल प्लीज ले लें और लिखना शुरू करें. ले ली पेन एंड पेंसिल आप लोगों ने? गुड गाइस, गुड बच्चों. तो हमारी आज की पहली रेजोल्यूशन है ये. तो जैसे कि मेरी पहली रेजोल्यूशन ये है कि आई वॉन्ट टू अर्न मोर सब्सक्राइबर्स दिस ईयर, क्योंकि मैं 2018 से यूट्यूब कर रहा हूँ और 2018 से लेकर 2024-23 तक मैंने वीडियोस यूट्यूब पे बनाई हैं सिर्फ और सिर्फ अपने शौक के लिए, जिसमें मैं हल्की फुल्की अपनी क्रिएटिविटी डालता था और वो वीडियोज सिर्फ और सिर्फ मुझे देखने में पसंद आती थी, मेरे दिल को तसल्ली देती थी, मेरे देखने वालों को नहीं. तो अब सीन ये है कि इस साल मुझे अब ये करना है कि इस साल मुझे काम वो करना है यूट्यूब पे जिससे मुझे नहीं, मेरे साथ साथ जो मुझे देख रहे हैं लोग, वो लोग भी अपना क्या कहते हैं मेरे काम को पसंद करें और मैं सब्सक्राइबर्स अब अर्न करना शुरू करूं. क्योंकि अब भाई देखें, अब ये प्रोफेशनल लाइफ में हम घुस गए हैं तो प्रोफेशन हमें चाहिए, हमें शौक नहीं देखना, पैसा उठाना हमने भी यहाँ से. तो बच्चों हमारी नेक्स्ट रेजोल्यूशन है ये. नेक्स्ट रेजोल्यूशन ये है कि आई वॉन्ट टू गेट मोर कंसिस्टेंट ऑन माई चैनल, क्योंकि पिछले कुछ सालों से क्या शुरू से ही लेके अभी तक मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं रहा हूँ अपने चैनल पर, जिसकी वजह से अभी तक हम 629 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचे हैं. तो अब चलते हैं अपनी थर्ड अपना रेजोल्यूशन की तरफ. तो बच्चों हमारी नेक्स्ट रेजोल्यूशन है ये. जैसे कि मेरी थर्ड रेजोल्यूशन ये है कि आई वॉन्ट टू गेट इन अ गुड शेप, क्योंकि मैंने अपने कुछ सालों में अपने आप को मैंने कुछ ज़्यादा ही फैला लिया है जिस तरह से आप लोग मुझे देख रहे होंगे. तो अब आई वॉन्ट टू गेट इन अ गुड शेप. इंशाल्लाह ताला हम इस साल बहुत जल्दी एक अच्छे शेप में आएंगे और आप लोगों को अपने साथ साथ दिखाएंगे. तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेजोल्यूशन की तरफ. तो बच्चों बोला ना, सन पता था मेरे को, पता था. खैर हमारी अगली रेजोल्यूशन है ये. यार हमारी जो फोर्थ रेजोल्यूशन है उसमें हम थोड़ा इंसानों की तरह रहेंगे, क्योंकि हमारी रेजोल्यूशन ये है कि आई वॉन्ट टू गिव मोर टू नीडी पीपल, जिनके पास रहने को छत नहीं है और खाने के लिए अपना खाना नहीं होता, तो मुझे उनका अब और देना है इंशाल्लाह ताला. और हम इस बार इंशाल्लाह चैरिटीज़ बहुत ज़्यादा करेंगे. तो बस अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेजोल्यूशन की तरफ. तो बच्चों क्या लगा, मैं फिर से अपने तुम लोगों को पागल बनाऊंगा? अब इतना पागल मैं हूँ भी नहीं जानी. तो ये है हमारी नेक्स्ट रेजोल्यूशन. नेक्स्ट रेजोल्यूशन ये है कि हम आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, और ये मेरी इस साल की सबसे इम्पॉर्टेंट अपना रेजोल्यूशन है. तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह ताला अपने माँ बाप को हम प्राउड फील कराएंगे इस साल इंशाल्लाह. अब चलते हैं नेक्स्ट
रेजोल्यूशन की तरफ। तो बच्चों हमारी नेक्स्ट रेजोल्यूशन है ये। तो यार हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेजोल्यूशन हमारी यही है कि आई वांट टू परफॉर्म उमरा या हज इंशाल्लाह ताला। इस साल हम इंशाल्लाह उमरा या हज परफॉर्म करेंगे अपनी फैमिली के साथ। और ये मेरी यानी कि दिल की यानी कि एक वो है, किस मुसलमान की नहीं होती। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हम लोगों को इस साल हम गुनहगारों को भी अपने घर बुलाने का मौका दें। तो आमीन सुम अमीन रब्बिल आलमीन। तो अब हम फाइनली हमारी रेजोल्यूशन ख़त्म हो गई है, अब हम चलते हैं घर। तो ओवर टू यू घर वाले ज़ियान। तो यार ये थी हमारी कुछ क्या कहते हैं मेन रेजोल्यूशंस। हमारी काफ़ी रेजोल्यूशंस अभी बाकी हैं जो वक्त के साथ साथ आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब भी हम वो रेजोल्यूशन अपनी कंप्लीट करेंगे कि उस चीज़ में सक्सीड होंगे तो हम आपको वक्त के साथ साथ बताते रहेंगे। और बस यही थी आज की व्लॉग। अब आपसे मांगते हैं इजाज़त। और अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, बगैर मत जाइएगा। और काफ़ी क्रेजी कंटेंट इस साल हम बनाएंगे तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अब फाइनली आपसे मांगते हैं इजाज़त। मिलेंगे आपसे ऐसी चलती फिरती रैंडम व्लॉग के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ ज़ियान नज़ीर फिल्म्स। अल्लाह हाफिज़। आई लव यू। पीस आउट। तो यार जाने से पहले आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि जिंदगी को अपनी मर्जी से जियो, क्योंकि जो मज़ा अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का है वो किसी और की मर्जी से जीने का नहीं है। वो किसी ने खूब कहा है ना कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू डेज इन योर लाइफ आर द डे यू बॉर्न एंड द डे यू फाइंड आउट व्हाई। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। मेक दिस ईयर योर बेस्ट ईयर। अल्लाह हाफिज़।